मेरी अध्यापकों से यह अपील है कि आप बच्चों को वो प्यार दें, वो दुलार दें, वो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दें जिससे बच्चा आपके साथ रहकर एक अच्छा भविष्य बनाए, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन आपके अलावा नहीं होता। वो आप ही तक अपनी बातें शेयर करते हैं, वो आप ही को अपना खुदा मानते हैं, वो आप ही को अपना सबसे बड़ा गुरु मानते हैं। तो आपकी भी ड्यूटी बनती है उनको वो प्रेम, वो सम्मान दे। अब मेरा तीसरा कंपोनेंट, मेरा तीसरा जो टारगेट ग्रुप है वो है स्टूडेंट। अब मैं अच्छा स्टूडेंट के बारे में थोड़ा सा कहूंगी कि मेरा विद्यार्थी जो इस सब के बीच का एक टारगेट ग्रुप है, उसके लिए भी मेरी एक अपील है उन बच्चों से कि आपके पास बहुत समय है अपने आप को संवारने का, अपने फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग करने का। इसीलिए आपके पास जो समय है, आप नंबरों की दौड़ में मत जाइए। 60%, 90% या 90% से अब ये हमारा टारगेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि 90% लाने के बाद भी वी आर नॉट श्योर कि वी विल गेट द बेस्ट जॉब, वी विल गेट द बेस्ट जॉब, बेस्ट स्कूल, बेस्ट कॉलेज या बेस्ट सेटिस्फैक्शन। इसीलिए हमें चाहिए कि हमारे अंदर ज्ञान होना चाहिए। शिक्षा इज नॉट इम्पॉर्टेंट, शिक्षा इज नॉट इम्पॉर्टेंट टूल, इम्पॉर्टेंट टूल इज द नॉलेज। हमें नॉलेज को इन्हांस करना है, हमें नॉलेज को आगे बढ़ाना है। उसमें आपकी जो माता पिता की भूमिका है, आपके शिक्षकों की जो भूमिका है, आपको उसको फॉलो करना है। मैं जानती हूँ आज का बच्चा डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, इन बातों से बहुत नज़दीक है। ये क्यों हो रहा है, इस पर हमें मंथन करना है। हमें बच्चों को एजुकेशन लादना नहीं है, उनको हमको बोझ नहीं बनाना है, बल्कि उनको उनके भविष्य चुनने के लिए स्वतंत्र करना है। मैं जानती हूँ कि यदि आप अच्छा पढ़ेंगे, अच्छी नॉलेज गेन करेंगे, तो कोई ऐसा स्कोप नहीं है, कोई ऐसा फील्ड नहीं है जो आपको ना पसंद आए या जहाँ तक आप ना पहुँच पाए। तो इसीलिए लास्ट में बट नॉट लीस्ट मैं एक बात अपनी कहना चाहूँगी स्टूडेंट्स के लिए कि हमारा स्टूडेंट जो बच्चा अभी तक आपका विद्यालय, आपका जो विद्यालय है, आपका जो टीचर है, आपका जो पेरेंट्स है, आप अभी उनके नाम से जाने जाते थे। आप किस विद्यालय के स्टूडेंट हैं, आपके पेरेंट्स कौन हैं, आपके टीचर कौन हैं, वो आप उनसे जाने जाते थे। लेकिन अब आप एक गोल सेट करिए कि आपका स्कूल, आपका टीचर और आपका पेरेंट्स आपके नाम से जाने। ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद, जय भारत। क्योंकि मैं बहुत कुछ सोच के आई थी, लेकिन समय के अभाव के कारण मुझे यहीं वाइंड अप करना है। सो थैंक यू वेरी मच, आपने बड़े पेशेंस के साथ मुझे सुना। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंड यू मोस्ट वेलकम।